गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास टू सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम शेप्स एंड पैटर्न के एक्सरसाइज देख रहे हैं। उससे पहले बच्चों, यहाँ पर कुछ अलग अलग शेप्स है जिसके शेप्स और नाम, उसकी साइड और उसकी वर्टाइजेस, और वो शेप के जो अलग अलग थिंग्स और ऑब्जेक्ट आप रूटीन लाइफ में देखते हो उसकी यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है। यहाँ पर सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, अलग अलग शेप्स जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसकी जितनी साइड्स है और वर्टाइजेस है वो भी यहाँ पर है, और उसके ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं। ये ओनली फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, जो मेन है ये आपको याद रखनी है। स्क्वायर हैज फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स। स्क्वायर जो होता है उसके फोर कॉर्नर्स होते हैं और फोर साइड्स होती हैं। ये सब कुछ आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में भी सीख के आए हो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और एग्जाम में भी ये MCQ, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। रेक्टेंगल हैज फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स। स्क्वायर के जैसा ही लेकिन थोड़ा लंबा होता है रेक्टेंगल, तो उसके भी फोर कॉर्नर्स और फोर साइड्स होते हैं। सर्कल हैज नो कॉर्नर्स एंड नो साइड्स। सर्कल जो है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसका कोई कॉर्नर नहीं होता है, कोई साइड्स नहीं होती है। बच्चों, ये जो भी ब्लैंक्स है वो फ्लैट शेप्स के रिलेटेड है। ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। ट्राइंगल जो होता है उसकी थ्री साइड्स होती है और थ्री कॉर्नर्स होते हैं। लाइंस कैन बी कर्वर्ड एंड स्ट्रेट। हमने लाइन के बारे में भी पढ़ा, तो कुछ लाइन कर्वर्ड होती है, कुछ लाइन स्ट्रेट होती है। कर्वर्ड और स्ट्रेट लाइन का यूज करके हम कोई भी ड्रॉइंग भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम जो आसपास में देखते हैं तो वो भी कर्वर्ड और स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ होता है। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 9C। कंप्लीट द पैटर्न एंड डू द नेक्स्ट टू। बच्चों, पैटर्न जो होती है, ठीक है, वो अलग अलग तरह की होती है, लेकिन किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एक पैटर्न बन जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि स्क्वायर में स्लैंटिंग लाइन अपसाइड देन डाउन साइड, अपसाइड एंड डाउन साइड, इस तरह से एक पैटर्न दिख रही है। तो हमें क्या करना है, उसके बाजू में आप देख रहे हो पैटर्न बनी है दो और, ठीक है। फिर बी है, एक सीधा है और एक उल्टा है, उसके पास सीधा और उल्टा है, और फिर सीधा है, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरह से दो और पैटर्न बनानी है। उसके बाद सी में बड़ा सा सर्कल है, फिर छोटा है और उससे भी छोटा है, ऐसे दो बार है, आपको थर्ड टाइम रिपीट करना है। समझ में आ गया। अब डी में आर सीधा है, फिर उल्टा है, सीधा है, उल्टा है, सीधा है, आपको अपनी तरह से एक उल्टा और फिर एक सीधा ऐसे बनाना है। फिर आप देख सकते हो कि जो डायमंड शेप में पहले पार्टीशन कर दिया है, फोर पार्ट कर दिए है, उसमें फर्स्ट पार्ट में एक में ही पिंक कलर किया है, फिर दो में पिंक है, फिर थ्री बॉक्स जो है आपको दिख रहा है पार्ट किए है उसमें पिंक कलर है, लास्ट में चारों पार्ट में पिंक कलर है। अगेन वो पैटर्न रिपीट हो रही है, फर्स्ट पार्ट तो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बना करके वो कलरिंग करनी है। उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हो एफ में स्टैंडिंग, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग, तो अभी आपको स्लिपिंग और स्टैंडिंग बनानी है। हार्ट शेप में भी वैसे ही करना है, यहाँ पर एक हार्ट है, फिर टू हार्ट है, फिर थ्री हार्ट है, अगेन वन, देन टू हार्ट एंड देन थ्री हार्ट, ऐसे आपको पैटर्न बनाते जानी है, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर है कलर द नंबर पैटर्न। अब यहाँ पर है वो हम नंबर पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 138 पर है। आप देख सकते हो
यहाँ पर ए वाली जो पैटर्न है, कलर पैटर्न, कलर पैटर्न क्या होता है कि उसमें नंबर दिए गए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि जहां पर जो नंबर दिया गया है और वो कलर कोड भी दिया गया होता है। जैसे आप देख सकते हो कि 2 में ग्रीन कलर, 4 में रेड कलर, 2 में ग्रीन कलर, 4 में रेड कलर, ऐसे करते जाना है। तो हमने यहाँ पर किया है पहले 3 बॉक्स में ग्रीन कलर, उसके बाद 5 बॉक्स में रेड कलर, 3 बॉक्स में ग्रीन कलर, 5 बॉक्स में रेड कलर। ये बी वाली जो पैटर्न है ना, वो ए वाली जो है वो की हुई है। 3 में ग्रीन कलर, 5 में रेड कलर। समझ में आ गया बच्चों? उसी तरह से हम सी में भी करते जाएंगे। सी में क्या है, यहाँ पर एक एक कलर लिया है। जो सी पैटर्न है उसमें 2 ग्रीन देन 3 रेड कलर हम लेंगे। 2 बॉक्स में हम ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं, अगेन वी आर टेकिंग 2 नंबर एंड 2 बॉक्स एंड वी फिल ग्रीन कलर, देन वी आर टेकिंग 3 बॉक्स एंड फिल रेड कलर, अगेन वी आर डूइंग द सेम, वी आर टेकिंग 2 बॉक्स ऑफ 2 एंड वी फिल कलर, एंड अगेन वी आर टेकिंग 3 बॉक्स एंड वी फिल कलर ऑफ रेड। नाउ आपको क्या करना है, ये जो डी है वो आपको खुद से कलर करना है। मतलब कैसे करना है, एक बॉक्स लेना है, उसके अंदर ग्रीन कलर करना है, उसके बाद 3 बॉक्स लेना है, उसमें रेड कलर करना है, अगेन 3 बॉक्स लेना है, उसमें भी रेड कलर करना है, वापस से 1 ग्रीन बॉक्स लेंगे, अगेन 2 टाइम हम 3 बॉक्स लेंगे और उसमें रेड कलर करेंगे, और उसके बाद 1 बॉक्स ग्रीन कलर। समझ में आ गया बच्चों आपको कि ये कैसे करना है? ये जो वर्क है ना वो आपको किस में करना है, नोटबुक के अंदर ही करना है। थैंक यू।